अस्सलाम वालेकुम, मीडिया न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ सानिया। ताज़ा तरीन खबरों के साथ नौशेर फिरोज से खबर शामिल करते हैं। हुकूमत के ऐलान के बावजूद महकमा खुराक ने अभी तक गंदम नहीं खरीदी है। नौशेर फिरोज के 5 साल कात में कायम किए हुए 48 गंदम खरीदारी सेंटर्स में अभी तक खरीदारी शुरू नहीं की गई, लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी फूड इंस्पेक्टर या सुपरवाइज़र का तकर्रुर नहीं किया गया। मज़ीद टेलीफोन लाइन पर हमारे रिपोर्टर शौकत मलिक ने हमको ज्वाइन किया है। जी शौकत, क्या तफसीलात हैं? जी बड़ी मेहरबानी, मैं आपको बताता चलूं कि ज़िला नौशेर फिरोज़ में जहां 5 तहसीलों में 48 गंदम ख़रीदारी सेंटर्स कायम किए गए हैं, लेकिन महकमा फूड्स ने 1 अप्रैल से सूबे में गंदम ख़रीदने का ऐलान किया था, लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त सिर्फ 48 गंदम ख़रीदारी सेंटर्स में एक भी खाली बोरी नहीं पहुँची और ख़रीदारी मराकज़ के जो इंचार्ज हैं वो भी मुकर नहीं हुए। गंदम की बम्पर फसल तैयार है, कटाई की जा रही है, जबकि व्यापारी माफिया मजदूर किसानों को सरकारी ख़रीदारी से बेघर कर रहे हैं। हुकूमत ने 2000 रुपये फ़ी मन गंदम तय की है, लेकिन ये माफिया 1600 से 1700 फ़ी मन ले रहे हैं तय की है। सूरत हाल ये है कि ज़िला नौशेर फिरोज़ में गंदम की 1 लाख से ज़्यादा थैली अभी भी गोदाम में मौजूद हैं। जी जी शौकत, तफसीलात देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।